जी आज महानायक शहीद पहलवान माता दीन भंगी जी का जन्मदिवस है 29 नवंबर को, और आज हम धरना भी दे रहे हैं उनका जो जन्मदिन तो मना ही रहे हैं, साथ में हम यह धरना भी दे रहे हैं। धरना इसलिए दे रहे हैं कि जो उनके साथ अन्याय हुआ है वही सूत्रधार थे 1857 की क्रांति के, लेकिन क्या है कि इस देश के जो ऊंची जातियों के जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने कभी उनको हमेशा नेगलेक्ट किया है, उनको नज़रअंदाज किया है, और मंगल पांडे को उन्होंने मुख्य किरदार में लिया है। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि मंगल पांडे भी शहीद हैं, उनको शहादत का मिलना चाहिए, लेकिन जो आदमी मेन है जिसने कि जो जिसकी वजह से ये क्रांति हुई, जिसने पूरी रणनीति रची और उसके बाद इसको सरंजाम दिया, और उसके बाद उस आदमी को अलग थलग कर देना और वहाँ बैरकपुर में उसका नाम का एक पत्थर तक नहीं है और उसके इतिहास को सामने ना लाना, तो ये कितने दुख और अफसोस की बात है। यहाँ तक कि उनकी रियल फ़ोटो भी वहाँ पर नहीं है, आज पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है, जबकि वो महान पहलवान भी थे। महान पहलवान के साथ साथ वो वहाँ पर सिपाही थे, वो सिपाही का काम नहीं करते थे, सिपाही थे, तो उनको खाली वो दिखा देना कि उनको उनका नाम ही ना लेना, और जो इन्होंने मंगल पांडे पिक्चर बनाई आमिर खान जी ने, तो क्योंकि इतिहास वैसा है तो उन्होंने भी उनकी वो भूमिका को उसी तरीके से दिखाया, कमतर करके और अपमानित करके दिखाया कि आज हम देश दुनिया को बता रहे हैं, हमने किताब भी आज विमोचन किया है उनके इतिहास के बारे में, हमने इतिहास निकाला है कि मंगल जो माता दीन है उनके नाम से ही केस दर्ज है, जो ब्रिटिश सरकार बनाम माता दीन एव अन्य, और अगर वो पहले मुख्य नहीं होते, मुख्य योद्धा नहीं होते उसमें, तो उनके नाम से केस क्यों है। और जब 10 दिन बाद 8 अप्रैल को घटना के 10 दिन बाद 8 अप्रैल 1857 को जब फांसी लगी सब लोगों को, तो उसमें सबसे पहली फांसी माता दीन को दी गई, वो पेड़ आज भी है जिसपे कि वहाँ पर बैरकपुर में जिसपे भी उनको फांसी दी गई लटका के, और जब उसके बाद कोर्ट मार्शल उन्होंने फांसी देने के बाद अंग्रेजों ने कोर्ट मार्शल किया, तो पहली चार्जशीट जो है वो भी माता दीन के नाम से है। तो ये सारी इतनी सारी घटना, इतने सारे प्रूफ हैं, और उसके बावजूद भी माता दीन का कहीं नाम नहीं है, खाली मंगल पांडे का नाम इस तरह करके और कर रहा है। हमें उस बात से नहीं है, वो दूसरे भी हों जिन्होंने शहादत दी है सबके साथ हो, तो खाली क्योंकि जातिगत ये द्वेष है, जातिगत भावना है इसकी वजह से, क्योंकि वो भंगी समाज से थे तो इस वजह से उनको कि अपमानित करके उनका नाम ही नहीं लिया और उनकी भूमिका को बिल्कुल जीरो शून्य कर दिया गया। तो आज हम पूरी दुनिया के सामने उनकी माता दीन के इस इतिहास को लाए हैं और यहाँ धरना दे रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, भारत सरकार से भी और ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी, हमने प्रधानमंत्री को वहाँ भी चिट्ठी लिखी है कि वे उनसे जुड़े जितने दस्तावेज हैं, चाहे उनको आइडेंटिटी कार्ड हो, चाहे उनका वो अपॉइंटमेंट लेटर हो, चाहे उनकी सैलरी स्लिप हो, अटेंडेंस रजिस्टर हो, जो भी हो उनके जुड़ा हुआ, चाहे उनका वो FIR की कॉपी, चार्जशीट की कॉपी, और उनको जो फांसी का ऑर्डर था उसके लिए जो ऑर्डर तो जो उन्होंने अंग्रेजों से ऑर्डर की कॉपी, वो तमाम उससे जुड़ा हुआ पूरा इतिहास, पूरी हमें दस्तावेज चाहिए, क्योंकि वो तो फौजी आज भी चल रही है, वो कारतूस जो फैक्ट्री थी बैरकपुर में छावनी में आज भी है, वो एग्जिस्टिंग में है, तो जो वर्कर हैं जो तमाम लोग हैं उनके आज भी इतिहास हैं। तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट और भारत सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि भैया हमें वो रिकॉर्ड दो और शहीद माता दीन भंगी का पूरा इतिहास बनाओ और पूरी दुनिया के सामने उनको सम्मानित करो, उनको सम्मान दो और शहीद का दर्जा दो, और उनकी वहाँ पर बैरकपुर में उनकी समाधि बनाओ, वहीं पर छावनी में जिस तरह से वहाँ पूरा पार्क बनाया हो मंगल पांडे के नाम पर, उसी तरीके से माता दीन की पूरा वहाँ पर समाधि बने और उनके पार्क बने, हमारी ये मांग है भारत सरकार। और